प्यारे बच्चों, आज से आपका लेसन टू शुरू हो रहा है। लेसन वन कंप्लीट हो गया है। आज का हमारा टॉपिक है शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंसेस। व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस? ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, इस तरह से चीनी है, चीनी में एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, और मिट्टी है, मिट्टी के अंदर बहुत से उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, कई तरह उसमें घास फूस भी होती है, तो मिट्टी को हम कह देंगे कि ये अशुद्ध पदार्थ है और ये चीनी जो है वो शुद्ध पदार्थ है। अब शुद्ध पदार्थ जो है वो एलिमेंट भी हो सकते हैं यानी कि तत्व, और यौगिक भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स में कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपर है, एजी यानी चांदी, और सोडियम और ऑक्सीजन, ये सब क्या हैं? ये तत्व हैं और ये प्योर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तत्व में यानी कि आप लिखेंगे एलिमेंट, एलिमेंट कौन कौन से? कॉपर, एजी, एजी क्या है? सिल्वर, चांदी, सोडियम, एने और ऑक्सीजन, ये सब क्या है? ये एलिमेंट्स हैं और ये प्योर होते हैं, इनमें एक तरह का ही पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह से कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में कौन कौन होते हैं? जैसे वाटर, वाटर का H2O, वाटर क्या है? ये कंपाउंड है और इसमें एक तरह के ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कहलाएगा प्योर सब्सटेंस। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम क्लोराइड NaCl, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल कंपाउंड्स और दीज आर ऑल कॉपर, सिल्वर, सोडियम, ऑक्सीजन, दीज आर एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बोथ आर प्योर सब्सटेंसेस। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक ये इतना ही है। आपको जो है यहां पे समझना है कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ जो है जितने भी तत्व हैं और यौगिक हैं सारे शुद्ध होते हैं, उनमें एक प्रकार के ही कण पाए जाते हैं। थैंक यू, टेक केयर।